नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी न्यूज 24/7 हिंदुस्तान की आवाज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ साहिल सदार्थ। चौबीस दिसंबर सोमवार 2018 बांगरमऊ उन्नाव लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पर सुल्तानपुर से मथुरा तक एक साइकिल संदेश यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा को बेरोजगारी मुक्त युवा क्रांति साइकिल यात्रा का नाम दिया गया है। साइकिल यात्रा के प्रभारी विनीत कुशवाहा और संयोजक मनोज क्रांतिकारी है। लगभग एक सैकड़ा से भी अधिक साइकिल सवारों के साथ ये साइकिल यात्रा बांगरमऊ विधानसभा पहुंची। आज इस बेरोजगारी मुक्त युवा क्रांति साइकिल यात्रा के बांगरमऊ विधानसभा आगमन पर पूर्व राज्यमंत्री शकील खान और उनके समर्थकों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तकिया चौराहे पर हुए स्वागत में बांगरमऊ विधानसभा के सभा कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर सभा नेता शकील खान ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों, युवाओं और देश के गरीब मजदूरों की दुश्मन सरकार है। इस यात्रा के द्वारा हम ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे ताकि इन जुमलेबाजों से जनता सचेत रहे और 2019 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी परचम लहराए। पिछली अखिलेश सरकार ने विकास के सभी मानदंडों पर खरे उतरते हुए चौमुखी विकास कराया था। वर्तमान भाजपा सरकार उन्हीं कार्यों के बस फीते भर काट रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही किसानों, युवाओं और देश की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। इस मौके पर प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक सभा सैफ खान, चेयरमैन रसूलाबाद नईमुद्दीन अंसारी, सपा नेता वकील अहमद, डॉक्टर फरहान खान, मोहम्मद अहमद मुन्ना, जियाउद्दीन यासीन, जुबैर खान, लाखन गुप्ता, कल्लू चौरसिया, मोन्टी शर्मा, छुट्टन यादव सहित काफी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। शकील भाई, ये जो यात्रा साइकिल यात्रा चलाई जा रही है, इसका क्या उद्देश्य क्या है और कहां से ये कैसे करी जा रही है? ये बेरोजगारी मुक्त क्रांति कार्यक्रम है साइकिल यात्रा का, सुल्तानपुर से मथुरा तक। ये हमारे नौजवान साथी हैं, ये संघर्ष, हम हमेशा संघर्ष में साथ रहे हैं और इन लोगों ने वहां सुल्तानपुर से मथुरा चला करके जा रहे हैं। ये जनपद उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा में आगमन पर हम इन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनको जो ये मेहनत करके ठंडी के दिन है घर से निकल नहीं पा रहे लोग, ये किसानों की लड़ाई को लेकर के जो बेचारे सताए जा रहे हैं नोटबंदी में, जीएसटी में, हर चीज में, जो अत्याचारी ये मजलूमी सरकार, जो अत्याचारी बलात्कारी सरकार है उसको लेकर के ये लोग निकले हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। हम इनका स्वागत कर रहे हैं। ये सब लोग इनका ये कार्यक्रम है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं कि ये सरकार क्या कर रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस यात्रा के माध्यम से। इस यात्रा के माध्यम से यही है कि बदलाव का संदेश देना चाहते हैं कि जो अत्याचारी बलात्कारी सरकार है इसको उखाड़ के फेंकना है। इन नौजवानों का यही संकल्प है। जो हमारे जो विनोद कुशवाहा, मनोज क्रांतिकारी, हमारा सुनील यादव, ये सब लेकर के जो हमारे नौजवान साथी जितने हैं ये सुल्तानपुर से मथुरा तक जा रहे हैं, इन लोगों का संकल्प यही है कि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठाना है और देश की गद्दी में बैठाना है। अखिलेश यादव ने जो विकास किया है उस विकास के बारे में साइकिल के माध्यम से बताना है और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की गद्दी में बैठाना है। इन अत्याचारी और मजलूमों की सरकार, जो ये बलात्कारी सरकार है, गुंडों की सरकार है, जो फर्जी इनकाउंटर कराती है, कोई विकास का काम नहीं करती है, सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार का हमारे मुख्यमंत्री की समाजवादी सरकार का जो भी काम है सिर्फ उन्हीं का फीता काट रहे हैं, उन्हीं का शिलान्यास कर रहे हैं। बाकी आज तक मैं इनको चैलेंज करके पूछना चाहता हूं, एक काम ये बता दें, आज तक काम नहीं किए हैं। सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है ये मोदी और योगी, ये ढोंगी है, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, कोई काम नहीं करते। तो ये नौजवान साथी इस वजह से ये लाल क्रांति लेकर के निकले हैं, साइकिल यात्रा लेकर के निकले हैं कि हमारी जनता को जो इन लोगों ने बेवकूफ बनाया है, जो इनको ठगा है, इनको जो बहकाया है, उस ये हमारे नौजवान साथी साइकिल यात्रा के माध्यम से उनको बताए कि सिर्फ एक ही नेता है जो देश का नेता है, वो है सिर्फ अखिलेश यादव।